What's up guys, हम हैं आपके जुड़वा सुशांत और निशांत। नमस्ते, सस्त्री अकाल, सलाम वालेकुम, नमो बुद्धा। तो गाइस वापस अपन आ गए हैं ट्रेंडिंग मीम्स के साथ। आज हम लोग मीमकू से देखने वाले हैं। हाँ। और कुछ दिन में ये डेली सीरीज थोड़ी सी कम हो जाएगी और इंटरेस्टिंग वो आएगा कि चैलेंजेस करेंगे हम लोग। बिल्कुल चैलेंजेस करेंगे तो हमको भी मजा आता है। बिल्कुल। तो क्या है, आपको भी समझ में आएगा कि सीधा गेम क्या है। ठीक है, मजा ही आता है। बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है। तो चैलेंज करेंगे, मजा आएगा। 26 जनवरी है। हाँ। ठीक है ना, तो सबको बहुत 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 शुभकामनाएं। मचाते रहो, रिपब्लिक डे के आपके बहुत ज्यादा शुभकामनाएं। ऐसे ही मचाते रहो और अपना भारत महान। बिल्कुल। और मजा आता है जब ऐसा कुछ रहता है तो, भारत का देश मतलब अपना ये झंडा आ गया। हाँ, क्या बात है, मजा आ जाता है देख। चलो यार, तो सीधा वीडियो पे आते हैं। आपका काम यही है कि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना। ऐसे ही प्यार रखो, ऐसे ही सपोर्ट रखो, ऐसे ही सजेशन देते रहो। चल लगा दे सुशांत। कुछ ऐसी चीज सलमान भाई की फिल्म का कुछ भी जो हम लोग ट्राई करते ना, सर व्हाट हैपेंड, कम ऑन मैन। पहले सलमान खान से पहले इनको शाहरुख खान का कुछ करने दो। साइक, दैट्स द रॉन्ग नंबर। से पहले ना, अभी मैं करण सर से बात हो रही थी, इन्होंने कहा कि शाहरुख भाई को रोमांस भी इन्होंने ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। ये वीडियो सिर्फ हंसाने के लिए बनाई गई है, इसे बिल्कुल भी सीरियस मत लेना। वीडियो का कोई भी पार्ट आप लोगों को अच्छा लगता है तो हमें कमेंट करके बताना। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। से मैरिज काउंसलर बने हुए कल से ही, मैं मुझे समझ नहीं आ रही। कल से मैरिज एडवाइस दिए जा रहे हैं, कोई पूछ भी नहीं रहा। जितने मैं आपको बोलता हूँ, आप सब जो मैन इधर बैठे, मतलब बाय बाय। अरे ठीक है, बोलो ना। अरे यार, ये हिना वाले सीजन में पता नहीं क्या क्या लगा है। तो भाई, ये बिग बॉस का टॉर्चर टास्क होता है, इसमें ये सब चीज़ें होती है, तो इसमें इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि हम बिग बॉस वो टास्क देते ही इसी वजह से हैं। अच्छा। तो फालतू की बातें करना छोड़ो। ठीक है, के साथ मेरी रील आई भाई, ईशा गुप्ता के साथ जब रील आई ना, मेरे गांव वाले पागल हो गए। प्रजा प्रतिष्ठा घेऊन टाक, घटा सावन की घटा, खा पूजा बत्ती बुझा के सो जाए। अच्छा, ये क्या बोल रहे हैं आप। मैं और मेरी ताई अक्सर ऐसी बातें करते हैं और मैं और मेरी भौजाई तो ऐसी वैसी बातें भी करते हैं। देखा आपने लापरवाही करना। बिल्कुल भाई, को हम लोग लैम्बो की राइड देकर गए। कैसे लगा भाई आपको। बढ़िया लगा। बढ़िया। अब ये ना, ये वीडियो अपनी गर्लफ्रेंड को भेज देना। है? नहीं है, ही नहीं। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। इतने हैंडसम हो यार आप, फिर आपकी गर्लफ्रेंड कैसे नहीं है। नहीं, सब चक्करों में पड़ता ही नहीं मैं। मतलब समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, शादी शुदी का प्लान है। शादी हो रखी है। शादी हो रही है तो फिर क्यों बोल रहे हो गर्लफ्रेंड नहीं है। अरे भाई, ये क्या बात हो गई। इस अंकिता की वजह से मेरा बेटा बिग बॉस से निकल गया। अंकिता ने तो मेरे बेटे बिकी की लाइफ के लोखंडे लगा दिए हैं। क्या हो गया अगर मेरा बेटा थोड़ा वुमनाइजर है। देखो बेटा, जो भी है आयशा खान का फिगर तो मस्त था ना। अम्मा मेरे लिए क्या लाओगे। ये खा लो, मेरा खाओगे। अरे यार, तो दादी है यार, दादी है यार। मम्मी आप क्या लाओगे मेरे लिए। माँ तो माँ होती है। आप लेके आना, समोसे लेके आना। चाची आप क्या लोगे मेरे लिए। ले ले मेरा, वो तो आपको पसंद है देखना। ये समस्या है। तो इसका लेकिन लड़कियों से क्या लेना देना है कि तू लड़कियों पे भी भरोसा नहीं कर पाता। यार मैं भाई, तुम भरोसा नहीं करोगे, मैं डेट पे ही नहीं गया आज तक किसी के साथ। कहाँ से शुरू करी भाई, दिक्कत बताता हूँ लड़कियों की।
वो वाला क्यों लगाया? Hey, y'all, come look at this. Hello. अरे उसने क्या बनाया? ससुर जी, अगर तुम मुझे बता देते ना कि तुम्हारी लड़की के ये हाल हैं, तो तुम्हारी लड़की से मैं शादी नहीं करता और तुम्हारे पिछवाड़े पे चार डंडे में अलग से मारता। क्या है? दो तीन साल पहले की बात है, एक बार हम किसी क्लब के बाहर थे, सारे दोस्त मिले, ट्रैवलर्स इंट्रोड्यूस कर रहे थे, दो तीन नई लड़की आई, उसमें से एक लड़की ने हाथ मिला, उसने अपना नाम बताया और अपना नाम बोलने की जगह मैंने एक पिकअप लाइन बोल दी। मैं बोला माई नेम इज परम बट यू कैन कॉल मी टुनाइट। भाई उसी टाइम इस बात पे सिर्फ इतनी सी पिकअप लाइन पे इतनी इंप्रेस होगी, बोली अपना नंबर दो, गिव मी योर इंस्टाग्राम, ये वो। भाई लिख ली लाइन, लिख ली ऑल ग्रेट सी इंडिया। अच्छा एलेक्सा, अब क्या हुआ? अरे यार मैं ये कह रहा था कि मैंने ना नया हेयर स्टाइल करवाया है, तो तुम्हें कैसा लग रहा है जरा बताना। घोड़े के पिछवाड़े जैसा लग रहा है। ये बारे अरे 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 गजब बेइज्जती है। दोस्त यार कह देने से दोस्त यार नहीं हो जाता प्रधान जी, निभाना भी पड़ता है। बिल्कुल। सही। पकड़ पाए। और चोरी तो मैं बोलता हूँ नहीं, इट्स एन आर्ट, कला है। क्या? चोर तो गलत वर्ड हो जाएगा, चोर तो मतलब अच्छा वर्ड नहीं है। अच्छा न पकड़ी न तुम्हारे पास कोई सबूत है तो मैं कैसे चोर हूँ? अर्शन बीच में बहुत कम हो गया था, मैं सब में बोलता था यार तेरा इंतजाम हो जाएगा, मैं कर लेता हूँ दूध के। अभी जब अंकिता जी कैप्टन बनी थी तो 8 लीटर दूध निकला था। कहाँ से? मेरे मतलब क्या है यार, एक्चुअली मुझे ना तुमसे कुछ कहना है। एक्चुअली मुझे भी तुमसे। अबे कोई और लेके गया। ठीक है एक साथ कहते हैं ऑन द काउंट ऑफ 3, ओके 1 2 3 आई लव यू। देख लो भाई हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। भारत में एक स्टेबल सरकार है, भारत में मेक इन इंडिया, मुख्यमंत्री जी ऐसा होता रहता है। मन नहीं मेरा लाड़ लिया अपन और नशे। आप लोग को पता है जो भोजड़ी के वर्ड है? हाँ। ये मेरे को पता है हंसोगे, बट जो एक्चुअल में भोजड़ी वर्ड है ये गाली नहीं है, ये एक संस्कृत वर्ड है। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? और एक्चुअल में भोजड़ी का मतलब पता है क्या है? सर आर यू वेल? क्या बात कर रहे भाई, कौन सी लैंग्वेज में? ये संस्कृत में। संस्कृत की लैंग्वेज में? हाँ। मेरा एक डाउट है। हाँ। मैं अपने बॉस को कह सकता हूँ? हाँ बिल्कुल यार। वीडियो को यहाँ तक, अरे बहुत बढ़िया, शुक्रिया भाई मिमकू भाई, शुक्रिया भाई, अच्छे मीम्स थे, बट कुछ कुछ आज जो थे हंसी वाले नहीं थे, मीम्स अच्छे थे पर ह्यूमर वाले नहीं थे। बिल्कुल आप समझ रहे हो, ह्यूमर नहीं था पर मीम्स अच्छे थे, समझने वाले काम थे, समझने वाला। समझ रहे वैसे वाले काम, ऐसे वाले थे पर ह्यूमर वाले नहीं थे। मेरे को ह्यूमर वाले मीम्स पसंद है कि मेरे को मतलब मजा आ जाए बस देख के, आ हा हा क्या बात है, मजा आ गया, ऐसे वाले वैसे चाहिए। तो आज वैसे नहीं थे, ठीक ठाक मीम्स थे, बट क्या है हो सकता है अपनी तबियत खराब है इसलिए अपन वो चार्ज में नहीं होंगे, है ना, या वो सेंस में नहीं होंगे, बट नहीं सही है। सही, कभी कभी बहुत अच्छे आए थे, बीच में बहुत अच्छे आए थे भाई साहब, मजा आ गया। इसके पहले वाला जो मिमकू से किए थे बहुत मजा आया था भाई, वो बहुत अच्छा आया था। ये वाला ठीक था, मैं बोल रहा हूँ ना ह्यूमर नहीं था बट जो मीम्स थे वो अच्छे थे। बाकी आपका फेवरेट मीम जरूर कमेंट सेक्शन में बताओ, और अगर हमसे कुछ छूट गया होगा तो माफ कर देना, कुछ गलती हो गई होगी तो भी माफ कर देना। बाकी आप ऐसे ही प्यार रखो, ऐसे ही सपोर्ट रखो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय जय भारत, पीस आउट।
ना 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 ना